हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूँ ममता। जी हाँ, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ करेले का जूस। जी हाँ, इस तरह आप देखते हैं ये करेले का जूस है। जी हाँ, कहते हैं कड़वा है, कड़वा नहीं है। अगर आप सेहत के अनुकूल इसके फ़ायदे जानेंगे तो आपको खुद ही कहेंगे कि करेला मीठा है। जी हाँ, करेला मीठा है। मेरा मानना है कि करेला मीठा है, आप भी जान सकते हैं। करेला खाने में भले ही कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, करेला कई रोगों को दूर रखने में हमारी सहायता करता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जब भी आपको फुर्सत मिले या मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको करेला खाना पसंद नहीं है तो करेले का जूस पीने के चमत्कारी फायदे पढ़ने के बाद शायद आप जूस पीना शुरू कर दें। 3 दिन, जी हाँ, सुबह में खाली पेट अगर करेले का जूस पी लेंगे तो ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल नियंत्रण में रह जाए। गर्मियों के दिनों में वैसे तो करेले या किसी भी सब्जी की कमी हो जाती है, लेकिन करेला एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में आपको हर सीजन में अवेलेबल होती है। 3 दिन में एक बार सुबह खाली पेट पीने से करेले के जूस में ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रण में रहता है। उसमें मोमोर्सिडिन और कैरेटिन नामक 2 एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल की मसल्स तक पहुंचाते हैं। किसी को भूख कम लगती है, जी हाँ, उनके शरीर में पोषक तत्व की कमी है, तो बहुत से स्वास्थ्य समस्याएं ऐसे भी हैं जो एक ग्लास करेले का जूस पीने से आपके पाचन तंत्र को ठीक कर सकती हैं और आपको खुद ब खुद भूख लगनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, रोज एक गिलास करेले का जूस पीने से पैंक्रियाटिक कैंसर सेल नष्ट होती है, और इसीलिए क्योंकि करेले के कैंसर विरोधी और पैनक्रियाटिक कैंसर सेल से ऊर्जा नहीं पहुंचने देते और वो नष्ट हो जाती है। 1 कप करेले के जूस में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर 3 से 6 महीने तक, जी हाँ, रोज सुबह खाली पेट इसे पिए। ऐसा करने से आपको सोरायसिस की वजह से होने वाली स्किन इन्फेक्शन मेशन होने लगती है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है और सोरायसिस में नेचुरली ठीक करता है। लीवर को देखिए आप ये कैसे ठीक करता है। हर रोज अगर आप 1 ग्लास जूस पीते हैं तो इससे लीवर मजबूत होता है और पीलिया से बचाव होता है। जी हाँ, ये लीवर और डिटॉक्सिफाइड करता है, जिसके कारण ये बेहतर तरीके से काम करने में दुरुस्त हो जाता है। बीमारियों से आपकी रक्षा का जूस सुस्त पड़े पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और डिस्पेप्सिया का उपचार करता है। जी हाँ, इसके लिए हफ्ते में 1 बार सुबह करेले का जूस अवश्य। करेले का जूस अगर नियमित रूप से आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आंखों से जुड़ी हुई कई समस्याओं से बच सकते हैं। जी हाँ, इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से आंखों को जो डैमेज पहुंचाता है उसको ये ठीक कर। खाने वाले को कई बीमारियां नहीं होती। जी हाँ, इसके औषधीय महत्व बताया गया है। करेला गर्मियों के मौसम में खुश तासीर वाली सब्जी है। जी हाँ, इसमें फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 1 महीने में अगर रोज आप एक पुराना जो है पुराने से पुराना जो कफ है वो भी आपका ठीक हो सकता है अगर आप रोज 1 ग्लास करेले का जूस पिए या इसकी सब्जी खाएं। जी हाँ, मधुमेह रोगियों को 1/4 कप करेले के रस में गाजर का रस मिलाकर पीना चाहिए। इससे ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता है। सुबह के समय करेले का जूस पीना बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद बिटर्स एल्केलाइट तत्व रक्त शोधक का काम करते हैं। अगर करेले को मिक्सी में पीस कर इसका लेप बनाकर रात के समय हाथ पैर पर लगाएं तो फोड़े फुंसी या त्वचा रोग नहीं होते। जी हाँ, दांत खाज और खुजली और सोरायसिस जैसी बीमारियों से भी करेले के रस से अगर इसको नींबू में मिलाकर पीने से फायदा होता है, और वैसे त्वचा पर लगाएं पीस कर तो उससे भी निजात मिलती है संबंधित समस्याओं से। जी हाँ, उल्टी दस्त हैजा की समस्या होने पर करेले के रस में थोड़ा सा पानी और काला नमक मिलाकर तुरंत सेवन करने से लाभ होता है। यकृत संबंधी बीमारियों में भी करेला बहुत ही लाभकारी है। जी हाँ, जलोदर रोग होने पर यकृत अगर बढ़ जाता है तो 1/2 कप पानी में 2 चम्मच करेले का रस मिलाकर पिलाने से 3-4 बार देने से लाभ होता है। जी हाँ, आप कब्ज से छुटकारा चाहते हैं तो रोज करेला खाएं। खूनी बवासीर होने पर 1 चम्मच करेले के रस में 1/2 चम्मच शक्कर मिलाकर 1 माह तक सेवन करें, खून आना बंद हो जाए। गठिया या हाथ पैर में जलन होने पर करेले के रस से मालिश करें, आराम। हाँ, मोटापे से भी छुटकारा है। जी हाँ, करेले का रस में 1 नींबू का रस मिलाकर रोज सुबह पीने से इसका सेवन करने से शरीर में पैदा होने वाले टॉक्सिन्स और अनावश्यक वसा कम हो जाती है, मोटापा दूर होता है, इससे पाचन क्रिया सही रहती है और पेट भी ठीक रहता है। जी हाँ, और शरीर पर वसा भी नहीं बढ़ पाता। रोज इसी तरह आपके लिए नए नए फायदे लेकर आती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए।
दमा की शिकायत होने पर करेला बेहद ही फायदेमंद होता है। दमा के रोग को करेले के बिना मसाले की सब्जी बनाकर खिलाने से लाभ होगा। जी हाँ, और जिसके पेट में गैस बनती है, अपच होता है, करेले का रस का सेवन करने से वो भी ठीक हो जाता है। लंबी लंबे समय से पड़ी हुई ये बीमारी भी आपको करेले के सेवन से ठीक कर। अगर आप करेले के पत्ते और फल दोनों को पानी में उबाल कर इसका रस पीने से आपके जो संक्रमण के वजह से प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। खून साफ करने के लिए करेला अमृत के समान है। जी हाँ, मधुमेह में यह बेहद असरकार कारक है और मधुमेह में 1/4 कप करेले के रस उतने ही गाजर का मिलाकर पीने से की समस्याओं में करेले का उबला हुआ पानी, करेले का रस दोनों ही बेहद लाभकारी है। यह किडनी को सक्रिय कर हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। जी, हम करेले की सब्जी तो बनाकर खाते ही हैं, पर हम कोशिश करें कि इसमें कम से कम तेल डालें। कई बार हम भरवा करेले बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तेल में हमें ये करना पड़ता है। हो सके तो कम से कम तेल में बनाने की कोशिश करें। करेला हार्ट संबंधी समस्याओं के लिए भी बेहतर इलाज है। जी हाँ, ये हानिकारक वसा को हृदय की धमनियों में जमने नहीं देता, जिससे रक्त संचार व्यवस्थित बना रहता है और हार्ट अटैक की संभावना नहीं होती। नींबू के रस में करेले का रस मिलाकर लगाने से मुहासे संबंधी समस्याओं में भी आराम मिलता है। कैंसर से लड़ने में करेले का रस और इसका सेवन दोनों ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। आइए ये जानते हैं कि हम किस तरीके से किस बीमारी में करेले के रस को किस तरह से सेवन कर सकते हैं। इसकी विधि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो पूरा वीडियो करेले के रस में 1/2 कप पानी मिलाकर जूस बनाकर सुबह खाली पेट पीने से शुगर को कंट्रोल करें। करेले के जूस में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीने से ये सोराइसिस के लक्षणों को दूर करें। करेले के रस में 1/4 चम्मच सौंठ थोड़ा मिलाकर पीने से ये सूजन भी ठीक करता है। और एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर पथरी को ठीक करना है तो 2 करेले का रस 1 कप छाछ में मिलाकर रोज पिए, उससे ठीक से आपकी पथरी यूरिन के रास्ते निकल जाए। पेशाब के प्रेशर को इतना तेज कर देता है कि उसके उसमें ही पथरी टूटकर निकल। 1 कप करेले के जूस में 1 चम्मच आंवले का पाउडर मिलाकर सेवन करने से एसिडिटी की शिकायत दूर होती है। करेले के सेवन से डायबिटीज में लाभ है और वजन घटाने में भी ये फायदेमंद है और सेहत के अनुसार इसका कोई नुकसान भी नहीं। करेले का जूस खाए भी वेट पीना अधिक फायदेमंद होता है, ये इससे ज़्यादा असर करता है बॉडी और खुजली संबंधी रोगों में भी करेले का जूस अत्यंत लाभकारी है। दूर करके करेला शरीर में शक्ति पैदा करता है। जी हाँ, करेले का रस दर्द दूर करता है, शरीर में शक्ति पैदा करता है। करेले का जूस खाली पेट अगर पियेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। खांसी कफ गले की खराश, करेला आपको खांसी कफ गले की खराश से और इन बिना घी तेल के बने करेले से आपको सेंधा नमक डालकर और पिसी हुई काली मिर्च डालकर भी बना सकते हैं। करेले के पत्तों के जूस से अपने जोड़ों पर मालिश करें तो गठिया की सूजन में आराम मिले। इसका लेप भी बनाकर लगा सकते हैं। चर्म रोगों में, खुजली में 1/4 ही पानी मिलाकर रोजाना पिए। जूस में 10 बूंद लहसुन की जूस मिलाकर 4 चम्मच सरसों का तेल मिलाकर मालिश करने से इस जूस के प्रकार से घमोरियाँ फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। करेले के जूस में नमक मिलाकर रोजाना सेवन करने से दूषित रक्त साफ हो जाता है, उससे पाचन शक्ति, यकृत की शक्ति भी बढ़ती है। आपको करेला ना मिले तो करेले के पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं। करेले के पत्ते 15 पत्ते लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लें और अच्छे धोकर उबाल कर उसका रस निकाल कर उसके पानी का सेवन करें। उसके मुँह में छाले हैं तो 1 गिलास पानी में 1/2 कप करेले का जूस मिलाकर उस पर फिटकली मिलाकर रोजाना इसका कुल्ला करने से मुँह के छाले दूर हो जाएंगे। चाहे तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर पी भी सकते हैं।